आप इस वीडियो को देखिए, एक महिला लोको पायलट ट्रेन को पटरियों पर तेज रफ्तार में सरपट भगाती नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या नया है। दरअसल जो महिला लोको पायलट ट्रेन चला रही है वह आदिवासी समुदाय से आती है, नाम रितिका तिर्की। 27 वर्षीय रितिका तिर्की वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली आदिवासी महिला लोको पायलट बन गई है। दंगल फिल्म का वो डायलॉग तो आपने सुना होगा, भारी छोरियां छोरों से कम है के रितिका तिर्की संवाद को सही साबित कर रही हैं। बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। झारखंड की आदिवासी बेटी रितिका तिर्की ने भी अपनी प्रतिभा, मेहनत, समर्पण और लगन की बदौलत भारत की पहली अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने का मौका हासिल किया है। गौरतलब है कि लोको पायलट रितिका तिर्की टाटा नगर रेलवे स्टेशन से पटना तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई। रविवार को पीएम मोदी ने रांची एयरपोर्ट से वर्चुअल माध्यम से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टाटा नगर से पटना के बीच संचालित वंदे भारत ट्रेन को रितिका तिर्की चला रही थी। वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनी रितिका तिर्की बहुत खुश है। रितिका का कहना है कि वह पहले गुड्स और पैसेंजर ट्रेन चलाती थी, अब उसे वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी मौका मिल गया है। रितिका ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया है। रितिका कहती है यह उनके लिए एक बड़ा मौका है, वह अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगी। रितिका यह भी बताती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी देश की सबसे आधुनिक और हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को भी चलाने का काम करूंगी। वहीं रितिका को लेकर आगरा डिवीजन के सीनियर डीसीएम विकास कुमार ने कहा कि यह भारत सरकार और रेलवे की पॉलिसी का नतीजा है कि आज वंदे भारत की पायलट एक महिला बनी है। बहरहाल रितिका ने वंदे भारत ट्रेन को चलाने के बाद कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं अन्य ट्रेनों से बेहतर है। पायलट केबिन पूरी तरह से वातानुकूलित है और इसमें टॉयलेट की भी अच्छी व्यवस्था है। इस ट्रेन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पटरी की गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। रितिका के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और रेलवे के कई कर्मचारी और अधिकारी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर रितिका तिर्की को बधाई दी है। रितिका का यह सफर न सिर्फ उनके लिए है, बल्कि झारखंड की अन्य महिलाओं और आदिवासी समाज के लिए भी प्रेरणादायक है।